गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसा रहा आज का दिन? मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मैंने लास्ट निफ्टी व्यू के अंदर बताया था कि अगर आपको बाज़ार की ओपनिंग ऊंचे लेवल पे मिले तो आप सेल करना, और मैंने सैटरडे वाले निफ्टी व्यू के अंदर ये भी बताया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो 11,850 से लेकर 12,150 के बीच में 300 पॉइंट्स की है। तो आज बाज़ार जो है 11,950 के आसपास खुला और बाज़ार ने अपने ओपनिंग पॉइंट से ही गिरना शुरू कर दिया। तो मैं रेगुलर अपने वीडियोस के अंदर ये बोल रहा हूँ कि भाई ऊंचे लेवल्स के ऊपर बड़े प्लेयर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप कर रखी हैं। तो उसका मतलब ये था, और उसका मतलब ये था कि ओपनिंग पॉइंट से ही आज मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, और पूरे दिन आज एक तरफा गिरा मार्केट, और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। आगे क्या होगा इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपको क्या मार्केट में हो रहा है, क्या मार्केट में हो चुका है और क्या मार्केट में होगा, ये सब मैं आपको अपने टेक्निकल्स के हिसाब से, अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से पर डे बताता हूँ। तो आपको पूरे के पूरे निफ्टी व्यू समझने के लिए क्या पास्ट में हुआ है, क्या हुआ है, क्या पास्ट में हुआ है और आज क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए आपको निफ्टी व्यू के वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, प्रॉफिट कैसे कमाना है और मार्केट में चल क्या रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि रेगुलर बेसिस के ऊपर मैंने अपने निफ्टी व्यू के सभी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैंने रेगुलर बताया है कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रखी हैं बड़े प्लेयर्स ने। तो आज वैसा ही हुआ कि ऊपर के लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और वहीं से गिरना शुरू कर दिया। तो मैंने कल वाले वीडियो में भी कहा था कि ऊपर के लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट मिले तो सेल करना है। तो आज अगर जिन लोगों ने सेल किया होगा तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो मैंने भी सेम पोजीशंस ली अपने निफ्टी व्यू के हिसाब से और मैंने भी प्रॉफिट कमाया। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, परसों क्या है, एक्सपायरी डे है इस वीक का, और परसों एक न्यूज़ डे भी है। मतलब परसों जो है IIP के मंथली डाटा रिलीज़ होने वाले हैं। तो परसों दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूज़ डे है और एक्सपायरी डे भी है, और तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि निफ्टी 11,850 के नीचे क्लोजिंग अभी नहीं दिया है, 11,860 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 10 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी भी निफ्टी जो है अपने रेंज के अंदर ही है, लेकिन 11,850 आज टच ज़रूर किया है निफ्टी ने, जैसे कि उसको रेंज को, नीचे लेवल को जो मैंने सैटरडे वाले वीडियो के अंदर आपको चार्ट के ऊपर दिखाया था, 11,850 की लाइन मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी, उस लाइन को आज टच ज़रूर कर लिया है। तो हमको ये याद रखना है तीनों चीज़ों को कि कल एक तो एक्सपायरी है, दूसरी चीज़ परसों एक्सपायरी है और परसों IIP का डाटा भी रिलीज़ होगा, और निफ्टी जो है 11,850 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि एक्सपायरी से पहले थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ इवेंट होने से पहले ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है कि वो अपने शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ द टू रीजंस बेसिकली कि वहाँ, मतलब परसों जो है एक्सपायरी है तो वो अपने वीकली पोजीशंस को हो सकता है कि कवर कर लें जो कि उन्होंने शॉर्ट्स बना रखी होंगी, और IIP के डाटा की वजह से भी, जो क्योंकि वो एक न्यूज़ इवेंट है और मंथली बेसिस के ऊपर रिलीज़ होता है, तो हो सकता है वहाँ उसके डाटा के रिलीज़ होने से पहले भी वो थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके शॉर्ट कवरिंग कल कर लें। आई एम टेलिंग द पॉसिबिलिटी ओनली कि कल ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमको दोबारा से जो है अपसाइड के लेवल्स
11,925 तक दिख सकते हैं। तो हमको देखना होगा कल मार्केट के अंदर कि क्या वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं एक्सपायरी डे से पहले या नहीं करते, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ कि अगर 11,850 के नीचे अगर मार्केट जाना शुरू होता है तो आई एम टेलिंग यू कि ये, और क्लोजिंग अगर कल को देता है वन डे की पूरे 3:30 बजे की क्लोजिंग के बाद अगर 11,850 के नीचे मॉर्निंग में जाना शुरू करता है और क्लोजिंग भी 11,850 के नीचे देता है निफ्टी, तो आप समझिएगा कि फिर इस निफ्टी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो ख़त्म कर दिया। सभी बड़े प्लेयर्स ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर, और अगर 11,850 के ऊपर जाना शुरू करता है कल मॉर्निंग में, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी भी कुछ लोगों ने, कुछ FIIs ने अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करनी बाकी है। तो हो सकता है कि भाई वो 11,850 को सपोर्ट लेके कल मार्केट 11,925 और 950 की तरफ भी जा सकता है। तो तीनों चीज़ें हैं, मैंने तीनों चीज़ की पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। कल सुबह मॉर्निंग में मार्केट कैसा रहेगा ये देखना होगा कि 11,850 के नीचे जाना शुरू करता है या फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की अपर लाइन की तरफ जाना शुरू करता है जो कि 12,150 की है या फिर नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कल मॉर्निंग में क्या होता है। तो टोटल बोथ साइड्स की पॉसिबिलिटी है कल मॉर्निंग के अंदर कि पहली चीज़ तो वो शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली 11,850 से मार्केट सपोर्ट लेकर 11,950 की तरफ, 925 की तरफ मार्केट जाएगा, और अगर उन्होंने उनकी प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो चुकी होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर वो लोग कर रहे थे, तो डेफिनेटली मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। 11,850 के नीचे कल वन डे की क्लोजिंग हमको मिल सकती है। तो फिलहाल हमको देखना पड़ेगा कि आगे कल मार्केट के अंदर किस तरीके का वो रुख अपनाते हैं, लेकिन हमको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। 11,850 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल लेवल है, मैंने अपने सैटरडे वाले निफ्टी व्यू के अंदर आप लोगों को बता ही दिया है। तो अगर 11,850 के नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो देन निफ्टी का ऊपर आना बहुत मुश्किल है, और अगर 11,850 का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, तो निफ्टी दोबारा से 11,950 तक का लेवल आराम से अचीव कर सकता है। तो कल के लिए मेरा निफ्टी व्यू है कि मैं न्यूट्रल रहूँगा और देखूँगा मार्केट के अंदर कि मार्केट में किस तरीके का रुख FII अपनाते हैं। तो 11,850 अचीव हो गया है, खुशखबरी है, हमारा पर डे का जो निफ्टी व्यू है डेफिनेटली सही जा रहा है, एक भी निफ्टी व्यू अभी तक गलत नहीं हुआ है, और आप सब लोगों को आई थिंक राइट डायरेक्शन मिल रहा होगा मेरे निफ्टी व्यू से, मेरे टेक्निकल्स के हिसाब से, मेरे डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो कल अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो प्लीज़ सरप्राइज़ मत होना, एक्सपायरी डे से पहले ऐसा होता है, और अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो 11,950 का लेवल या 925 का लेवल मिल सकता है। आप सब लोगों को मेरा YouTube चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे निफ्टी व्यू पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पर आप कोई भी अपना क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हो। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में और देखते हैं FII क्या रुख अपनाते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं या फिर मार्केट को और नीचे लेके जाते हैं। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।